नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। भोजपुरी फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग इन दिनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चल रही है। इस फिल्म में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह और रवि किशन मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के निर्माता विपुल राय हैं। इस बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म का ऑडियो वीडियो सैटेलाइट राइट 1,51,00,000 रुपए में बिका है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही फिल्म की एक्ट्रेस मणि भट्टाचार्य पर शूटिंग के दौरान शूटिंग देखने आए लोगों ने पत्थरबाजी कर दी थी, जिस कारण वह घायल हो गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलाकारों की सुरक्षा बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि सैटेलाइट राइट के मामले में इस फिल्म ने अब तक सभी भोजपुरी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले किसी भी भोजपुरी फिल्म को सैटेलाइट राइट के बदले इतना ज्यादा पैसा नहीं मिला था। फिल्म का ऑडियो वीडियो सैटेलाइट राइट वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के रत्नाकर कुमार ने खरीदा है। ये जानकारी फिल्म के निर्देशक देवेंद्र तिवारी ने गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन व फिल्म मेरा भारत महान के अभिनेता पवन सिंह की मौजूदगी में दी। इसके बाद एक छोटी सी पार्टी का भी आयोजन किया गया, जिसमें रवि किशन ने पवन सिंह और देवेंद्र तिवारी को मिठाई खिलाकर फिल्म की सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रवि किशन ने कहा कि यह दिन भोजपुरी सिनेमा के लिए बेहद ऐतिहासिक है, जब किसी भोजपुरी फिल्म का ऑडियो वीडियो सैटेलाइट राइट 1,51,00,000 में बिका है, वो भी कोरोना काल के बाद, जब देश भर में ये कहा जा रहा है कि आज बाजार नहीं है, बाजार की हालत बहुत खराब है। इसके लिए हम फिल्म के निर्माता निर्देशक के साथ साथ रत्नाकर कुमार को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों के सामने एक मिसाल पेश किया है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम इसके लिए बेहद खुश हैं कि हमारी इंडस्ट्री आज इस मुकाम तक आ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सब महादेव की कृपा है और महादेव आगे भी सब अच्छा करेंगे। आपको बता दें कि पवन सिंह की फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग इन दिनों जौनपुर में चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह जगह फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन का गृह क्षेत्र है। बीते दिनों शूटिंग के दौरान यहीं पर सुपरस्टार पवन सिंह ने रवि किशन को इंडस्ट्री का अपना फेवरेट स्टार बताया था। उन्होंने कहा था कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन उन्हें बेहद पसंद हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, उनका व्यक्तित्व अद्भुत है। बता दें कि पवन सिंह ने किसी इंटरव्यू में पहली बार इस बात का जिक्र किया था। बताते चले कि पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। इसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष भी किया है। अपने दमदार अभिनय के दम पर पवन सिंह ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है। उन्होंने भोजपुरी के कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। पवन सिंह एक्टिंग करने से पहले गायकी करते थे और उनके गाने लोग बड़े चाव से सुनते थे। हालांकि वह अभी भी गायकी करते हैं और लोग उनके गानों को उतने ही चाव से सुनते हैं जितना पहले सुना करते थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।